जैसे बिना निंदे हौले से धीमे से। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आज है संडे और वी आर प्लानिंग समथिंग, मतलब कोई एक प्यारी सी लोकेशन पे चलेंगे, एक नया सा लोकेशन दिखाएंगे देहरादून वालों के लिए। खास कर ये वीडियो है, लेट मी कम देयर। तेरी ले लूं बाहें। गाइस ये खास वीडियो देहरादून वालों के लिए, मतलब हम ऐसी जगह चल रहे हैं जहाँ पर सनसेट बहुत बढ़िया आता है और वो लोकेशन बहुत कम लोगों को पता है। सो आई एम गोना रिवील दैट लोकेशन एंड फटाफट से तैयार होते हैं यार, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, 4 बजने वाले हैं और हमें 4:30 पे मिलना है। तो अभी फटाफट से तैयार होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ऑल राइट बॉयज, भाई तुम्हारा भाई हो चुका है तैयार और अब हम फटाफट से शूज पहन रहे हैं। और ये शूज लेके आया था मैं कुछ राइडिंग के लिए, मतलब इसमें राइड और कैजुअल भी पहन सकते हैं, तो आज ये वाले शूज पहन के ट्राई करते हैं। और जिस लोकेशन पे मैं आपको ले जाने वाला हूँ ना, उससे प्यारी जगह आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो इस वाले ब्लॉग को पूरा देखना एकदम। और ये प्लेस स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग ये देख रहे हैं थंबनेल खोल के ना, उन लोगों के लिए। बहुत सारे वेट करो, पूरा दिखाऊंगा एकदम डिटेल के साथ। शूज पहनते हैं और फिर उसके बाद तो गाइस ऑलरेडी ये शीशे में आप चेक कर सकते हो, कुछ इस तरह का लुक है हमारा और पूरे ब्लैक। और अभी हम ग्लव्स पहन रहे हैं, फिर उसके बाद सीधा निकल रहे हैं, लेट्स गो। जैसे हम घर से निकले और ये बादल का जो हमने हाल देखा, फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसा लगा कि हमारा आज का ट्रिप भी कैंसिल होने वाला है हमेशा की तरह। लेकिन जब आप एक बार निकल जाते हो और ठान लेते हो ना कि भाई करना है जाना है, क्योंकि यार संडे था ऑब्वियसली और मैं अपना संडे वेस्ट नहीं करना चाहता था। फिर हम निकल दिए अपनी सवारी को लेके। कैट बॉल पिला के मारो ना। ये बाबा। आगे हम जितना बढ़ते गए हमें बादल और भी काले होते हुए दिखते हुए। तो फिर पहले ये डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन फिर हमने सोचा कि यार डरने से कुछ नहीं होने वाला, तो फेस करने वाले थे ये चीज सिचुएशन भी। लुक एट, देखो देखो दरिंदे की चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना। जी जी जी, हेलो गाइस। बाइक देख के बताओ, तुम लोग बाइक को पहली बार देख रहे हो ना रैप के बाद। अच्छा मुझे लगा तू साफ करके आया। को पैसा बर्बाद। ऑल राइट बॉयज, वो पूरा गीला होने के बाद हम आ चुके हैं ट्रैकिंग पे। अब उस कैफे में जाने के लिए करीब करीब हमें 10 मिनट का ट्रैकिंग करना पड़ेगा। 10 मिनट का ट्रैकिंग भाई, 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे खैर। और अभी ये ट्रैकिंग ही होता है भाई, हमारे लिए तो ट्रैकिंग ही बोलते हैं। और आप ये देख सकते हो कि हम पूरे गीले हो चुके हैं भाई, ऊपर से नीचे तक। अनएक्सपेक्टेड था ये बारिश, बहुत कड़क धूप निकली थी। एक प्यारा सा व्यू दिखाऊं मैं आप लोगों को, सुनाऊंगा कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स नहीं हेटर्स नहीं दुश्मन मैं अपने निशाने पे कितना पक्का हूँ। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बॉल, पिलियल बॉल। यार इसे पकड़ते कैसे तेरा निशाना कैसा है, मेरा तो पक्का है तेरा, देखते हैं। यहाँ पे तरह तरह के झूले और तरह तरह के जानवर दिख जाएंगे आपको। परफेक्ट हूँ लेकिन थोड़ा नोब बनना पड़ता है इन लोगों के सामने। नोब होता है, इसे छोड़ना है यहाँ से। ये देख जा नहीं रहा, तो छोड़ ही नहीं रहा, छोड़ तो दिया। अबे यहाँ तक लाके यहाँ से छोड़। हाँ यहाँ से छोड़। को पैसा बर्बाद। अबे मुझसे नहीं होगा। मेन्यू आलू पकड़े की मिक्स। ये यहाँ का मेन्यू है। इस कैफे का नाम है द ब्लिस व्यू रिट्रीट और यहाँ से आपको बहुत प्यारा नजारा देखने को मिलेगा। ये प्यारा नजारा नहीं है, ये सिर्फ कैफे नहीं, ये आप नाइट स्टे भी कर सकते हो यहाँ पे। ये रिट्रीट है यहाँ पे। ये मान लो अगर आप लोग मानते हो कि मेरा कैफे है तो मेरा कैफे है तो मान सकते हो। और ये देखो यहाँ पे हट्स वगैरह बने हैं, अगर आपको नाइट स्टे करना है तो आप नाइट स्टे भी कर सकते हो। तो गाइस हम एक गेम खेलने वाले हैं, तो गाइस हम एक गेम खेलने वाले हैं। अभी मैं और शिवानी खेलेंगे, हम इसमें बैठेंगे और इसे घुमाएंगे। ये भाई साहब तो हम इसे बैठेंगे और घुमाएंगे, जो सबसे मतलब ज्यादा घूमने के बाद जो ज्यादा देर तक खड़ा रहेगा वो विनर, और वो बिल नहीं देगा। जो नहीं खड़ा रह पाएगा मतलब शिवानी वो बेस्ट। आराम से सही तो घुमा रहा हूँ। बस रहते रहते जाएगा, रुक जाओ।
पहले पूरे घुमाने तो थे उसे, रुक दे आप, रुक दे अब, बस बहुत हो गया, वापस भी तो घुमाने थे। नहीं 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 नहीं, अरे वापस तो घुमाने नहीं, वापस नहीं घुमाऊंगा, हुआ कैसे, अबे पागल प्यार में जगह पर मैं घिसूंगा, ओए बस रुक, इसे रोक दे अब, रोक दे बोल दिया, हार गया आरिफ भाई, पैर जमीन में मार, रुक जाएगा, अब खड़े रहना ना, खड़ा हो, ए 5 सेकंड तक तो बैठे हुए हो, काउंट कर, काउंट कर, अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निकला के रात, अरे भाई अरे भाई मैं कहाँ ला रहा हूँ, अरे भाई हो गया, अब शिवानी बैठे इसमें, घुमा ना ना ना, तेज घुमा ऐसे, तेज घुमा बेटा, तू धीरे घुमा रहा है, इसे धीरे घुमा रहा है, इसको घूम रही है, इसको बदल दिया, अब आएगा ना मजा वीडू, चला वापस घुमा, इसे वापस घुमा, अब आएगा मजा बेटा, तू बहुत धीरे घुमा रहा है बेटे, बहुत हरामी है तू, भाई बहुत धीरे घूम रही हो, मैं रॉकेट की तरह घूम रहा था, बस बस रोक दे रोक दे रोक दे, गिर जाएगी रोक दे रोक दे, बस शिवानी खड़ी हो जाओ, खड़ी फटाफट, हिल गई हिल गई हिल गई, अब जनता वोट करेगी भाई, जनता वोट करो गाइस, चेक दिस आउट, ये जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप नाइट स्टे या फिर स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ये हट्स हैं जो कि मैंने आपको दिखाए थे, यहाँ पे आपको ये कंबल वगैरह, पिलोज और ये सोफा कम बेड ये सब प्रोवाइड कर देते हैं, ओहो कमरिया लाले लापेलो ब्रो, हम ये सब चीज कर सकते हैं जो ये सब ये लोग नहीं कर सकते, और यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे आर्चरी था, बास्केटबॉल भी है, बास्केटबॉल पीछे जो अभी बन रहा है, अगर जिस टाइम तक आप लोग आओगे उस टाइम तक मैं भी बन के तैयार हो जाए, तो देरी किस बात की, आओ यहाँ पे, पेड प्रमोशन है गाइस, मेरे को बहुत पैसे मिले हैं इसके लिए, और एक और जरूरी चीज, यहाँ का इस कैफे का हर चीज एक नंबर, खाना एक नंबर, व्यू एक नंबर, और यहाँ के स्टाफ एक नंबर, जो यहाँ के ओनर है उनसे हमारी बात हुई वो भी एक नंबर, तो सब कुछ एक नंबर था, आप तब तक इस कैफे के और इस नज़ारे के थोड़े, सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने सब देखा है, यहाँ पे आप बोर ही नहीं हो सकते, यहाँ पे आप स्टे वगैरह भी सब कुछ वगैरह सब कुछ कर सकते हो, और एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जाके मेरा नाम लेते हो तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलने वाला है, मतलब एक रिवॉर्ड पॉइंट टाइप मिलेगा जो आप बाद में जब कभी जाओगे तो वो रिडीम कर सकते हो। ऑल राइट बॉयज, सो हम अब यहाँ से निकल रहे हैं, भाई लड़कियों के साथ आना बहुत मुश्किल काम है भाई, इन्होंने कुछ भी ना हो कुछ भी ना हो तो इन्होंने कम से कम 1500 फोटो खिंचवाई है भाई आज, भाई मतलब हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है लेकिन इनके लिए सब पॉसिबल है। इफ यू विल यूज माई प्रोमो कोड यू विल गेट अ डिस्काउंट। I guess हमें ये ब्लॉग भी यहीं पर ही खत्म करना चाहिए क्योंकि ब्लॉग भी काफी बड़ा बन गया होगा। So guys, this is Pike Boy. Ending of, see you next vlog. Till then, stay happy and do whatever you want to do, man. वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, शेयर कर देना अगर आपको ये वाला कैफे अच्छा लगा हो। दिखता है मुझे वो आसमान की